लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे अब भी वही हूं, मैं भी वही हूं, कुछ नहीं बदला। हां, समय जरूर बदल गया है। समय ने हमारे प्यार की परीक्षा ली थी और हमारा प्यार जीत गया। आइए 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 बेटी, देखिए ना क्या हुआ है। क्या हुआ है ना बेटी? जैसे कि लोगों ने कहा, इन्होंने जलती हुई साड़ी अपने हाथों से बुझाई और गाय ने टक्कर भी मारे। उस सबसे शायद इन्हें सदमा लगा है। यहां तो सांप के काटने का निशान ही नहीं है। लेकिन इनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके शरीर में जहर गया। मैं इनके हथेली पर मलम लगा देता हूं, लेकिन इनके चेहरे का नीलापन मेरे समझ से परे है। कल सुबह ही इनकी स्थिति का पता चलेगा। चल रहा है? ठीक हो जाएगा अम्मा, ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। अम्मा जी सो गई हैं, दर्द कम हुआ होगा, लगता है दवा असर दिखा रही है। हाँ माँ, बाबूजी कहाँ गए हैं? बिटिया, अम्मा जी को इस हालत में अकेले छोड़ना ठीक नहीं है ना, इसलिए वो नंदू की माँ जी से कहने गए हैं कि वो अम्मा जी के पास आ जाएं। मैं भी अस्पताल से जल्दी वापस आ जाऊंगी। अरे माँ, मैं रुकती हूँ ना यहाँ पे, मैं सब देख लूंगी। बिटिया, मैंने कहा था तेरे बाबूजी से कि तू रुक जाएगी, पर क्या माँ? उन्होंने कहा कि अतिथियों पर ऐसे दायित्व छोड़ना ठीक नहीं है। डॉक्टर, एक मिनट। नर्स, समझ बात की तैयारी कीजिए। चिंता की कोई बात नहीं है, राधिका अब खतरे से बाहर है और कोई इन्फेक्शन भी नहीं है। बस उसका ख्याल रखने की जरूरत है, कोई उसके साथ हमेशा रहे और उससे अच्छी अच्छी बातें करता रहे। अक्सर ऐसा होता है कि जलने के बाद पेशेंट अपना आत्मविश्वास खो बैठता है और वो बनाए रखने के लिए अपनों की जरूरत होती है। कुछ टेस्ट बाकी हैं, वो हम बाद में कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर, क्या मैं राधिका को दिल्ली लेके जा सकता हूँ?
डॉक्टर, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, हमेशा उसके साथ रहूंगा, उसके साथ अच्छी अच्छी बातें भी करूंगा। और उसका आत्मविश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, प्लीज। ठीक है, आप राधिका को दिल्ली ले जा सकते हैं, वहां वो सीधे डॉक्टर बेदी के सुपरविजन में रह सकती है। थैंक यू देव बाबू, आपकी भावनाएं अत्यंत उत्तम है, परंतु राधिका अभी भी मेरा ही उत्तरदायित्व है। उसका ध्यान रखकर उसके पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाने के पश्चात ही मैं उसका विधिवत कन्यादान करूंगा। और उसके पश्चात ही आपके साथ विदा करूंगा। अभी तो कितने ही रीति और संस्कार शेष रह गए हैं देवबाबू। पर बाबूजी, हमारी शादी तो हो चुकी है ना, मैंने तो सिंदूर से उसकी मांग भी भर दी है। देव, बेटा माना कि तुमने सिंदूर भर दिया उसकी मांग में, लेकिन अभी विवाह पूरी तरह से हुआ नहीं है। अभी तो 7 फेरे बाकी है ना, और जब तक ये विवाह पूरी तरह से नहीं हो जाता, यूं दिल्ली ले जाना, अपने साथ रखना ठीक नहीं लगेगा बेटा। समधन जी उचित कह रहे हैं देव बाबू, मुझे क्षमा कीजिएगा। तेरे ससुर जी और वैशाली ठीक कह रहे हैं बेटा, अभी राधिका को ले जाना सही नहीं होगा। राधिका पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, उसके बाद हम सारी रस्में पूरी कर लेंगे और फिर उसे ले जाएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार ही तो नहीं होता दादी माँ। चलो वैशाली जी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हमने वो अभागन को छुआ था, ये उसी का कुफल तो ना है? ठाकुर जी मुझे रक्षा करना, ये सब वो राधिका को दे दो को, सकरा कस्तूर राधिका को दे दो, उसको ठीक ना होने देना ठाकुर जी। डॉक्टर ने कहा है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। दादी माँ, लो आ गया।
अब जी भर के देख लेना अपने देव को। कहाँ चला गया थरे? कब से तेरी राह देख रही थी राधिका? हम सब यहाँ थे लेकिन इसकी आंखें दरवाजे पे टिकी थी, तुझे ढूंढ रही थी। मैं राधिका से कुछ देर के लिए इसलिए अलग हुआ था ताकि हम हमेशा के लिए एक हो सके। मतलब ये बिहारी जी की चुनर है, दुल्हन ये फेरों से पहले पहनती है। दुल्हन? हाँ राधिका, दुल्हन आज हमारी शादी है। बाबूजी, आपने कहा था ना कि सारी रस्में पूरे किए बिना आप राधिका को मेरे साथ नहीं भेजेंगे, तो बाबूजी आज वो सारी रस्में पूरी हो जाएंगी। और राधिका पूरी तरह से मेरी हो जाएगी। बाबूजी, ये शादी आपको ही करवानी है। मंत्र भी आप ही पढ़ेंगे। आपका आशीर्वाद हमारी शादी के लिए बहुत जरूरी है। आप सब लोग बाहर जाइए, मैं दुल्हन को लेकर आता हूं। सोचा क्या था और हो क्या गया बड़ी बहू, सारे दांव उल्टे पड़ गए। क्या हुआ राधिका? मुझे आग से डर लगता है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, तुम बस मेरी आंखों में देखती रहना, ठीक है?
बाबूजी फेरों के मंत्र शुरू करवाई जी। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग दो भी वा यास्मरे कुंडली। प्रथम फेरे का प्रथम वचन आप वचन लीजिए कि आप अपनी पत्नी का सदा भरण पोषण करेंगे। मैं वचन देता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सनोहरि सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। द्वितीय फेरे के साथ आप ये वचन लीजिए कि आप अपने पत्नी के स्वास्थ्य का सदा ध्यान रखेंगे। मैं वचन देता हूँ। तृतीय फेरे के साथ आप वचन दीजिए कि आप वेदों द्वारा नियत धर्मानुसार जीवन व्यतीत करेंगे। मैं वचन देता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि चतुर्थ फेरे के साथ आप वचन लीजिए कि आप अपनी पत्नी को हर प्रकार का सुख प्रदान करेंगे। दुख दुखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्र त्वं वहं तत्र प्रथमेशा ब्रवीमि। मैं वचन देता हूँ बाबूजी। कुटुंब रक्ष कार्यास्कामि अवानुवृत्त हदितम् पंचम फेरे के साथ आप वचन लीजिए कि आप पति पत्नी के रूप में आपस में कोई मतभेद उत्पन्न नहीं होने देंगे। मैं वचन देता हूँ। आते आता भविष्यो में सुख दुखा विवाहिनी तवाज्ञा पालया व्यामी कन्या मूर्य पदे ब्रवीम ऋतुकाले शुचि स्नाता श्रीत्यादि त्वया सह नहि परतरम व्याया कन्या पंप पदे ब्रवीम ओम यज्ञादि कार्येषु भवा विश्वसाना सप्त पदे ब्रवीम। छठे फेरे के साथ आप वचन लीजिए कि आप अपनी पत्नी की संपूर्ण प्रकार से सुरक्षा करेंगे एवं उसे हर कठिनाई से बचाएंगे। मैं वचन देता हूँ।
सातवें फेरे के साथ आप वचन लीजिए कि आप आजीवन एक दूसरे में निष्ठा रखेंगे और संपूर्ण जीवन सच्चे मित्र बनकर रहे। मैं वचन देता हूं। कृष्णाय गोविंदाय। ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों हर विधि से पति पत्नी कहलाएंगे। Thank you.